पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और किस लैटिस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। नमस्ते, मेरा नाम अनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें बताओ क्या पढ़ना है, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन इन क्लोज पैकिंग। अब आपने देखना भाई कि जब आप क्लोज पैकिंग करते हो आइडेंटिकल स्फीयर्स की, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। भाई यहाँ पर एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि मान लिया आपने भाई किसी बॉक्स के अंदर आपने HCP पैकिंग में पार्टिकल्स भर दिए, आपने कंचे भर दिए। लेकिन आपको पता होगा ना, आपने अगर किसी बॉक्स में कंचे भर दिए तो कंचों से बॉक्स पूरा भरने के बावजूद उसमें आप पानी भर सकते हो, कैसे, क्योंकि जो कंचे हैं उनके अंदर उसमें क्या रहेगा, कुछ खाली स्पेस रहेगा ना। तो आपको ये पता करना है कि वो खाली स्पेस कितना रहता है, समझे मेरी बात। बोलो भाई तुमने क्या पढ़ना है, पैकिंग। तो अगर मान लो किसी में खाली स्पेस कम बचे तो क्या है, मोर एफिशिएंट पैकिंग। अगर किसी पैकिंग में खाली स्पेस क्या बचे, ज्यादा बचे, तो वो क्या है, लेस एफिशिएंट पैकिंग। अब बात आपको पहले पढ़ गई भाई, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को हमने टोटल चार सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए लैटिस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। फिर क्या पढ़ेंगे भाई, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और फिर क्या पढ़ेंगे लास्ट में, बोलो भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की पैकिंग। बताओ सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए लैटिस। देखो मैं आपको भाई सिंपल एग्जांपल से उसको बताने ट्राई करूंगा। मान लिया हमारे पास एक बॉक्स है भाई मेटल का, ठीक है बात। और ये बॉक्स मान लिया भाई 100 लीटर का, कितना भाई, मान लिया बॉक्स के हमारे 10 लीटर का हमारे बॉक्स है। अगर इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो उसमें क्या है भाई, 10 लीटर पानी इसके अंदर आता है। अब मैं ये कहूँ कि इस बॉक्स के अंदर आप मार्बल्स भर दें, कंचे भर दें इसके अंदर, ठीक है बात। अब कंचे भाई, इस कंचे सारे क्या स्फेरिकल हैं, उनको भरने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, क्या बताओ भाई, सिंपल क्लोज पैकिंग। मतलब आप यहाँ पर कंचे क्या करो भाई, अरे एक रो ऐसे उनके ऊपर लेयर जमाते जाओ भाई, ठीक है ना, यानी कि ए ए ए ए ए लेयर। फिर क्या भाई, ए बी ए बी ए बी, या फिर भाई ए बी सी ए बी सी ए बी सी, पता होगा ना आपको भाई, फेस सेंटर्ड या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भाई। और या फिर बताओ क्या भाई, यहाँ पर भाई बॉडी सेंटर्ड जो लैटिस होती है उसके जरिए आप कंचे भर दो, ठीक है बात। तो आपने देखना भाई, इसमें कंचे भरने के बाद ऊपर तक मान लिया आपने इसे भाई, अब मान लिया आपने इसमें सिंपल क्यूबिक पैटर्न में आपने इसमें कंचे भर दिए, ठीक है बात। तो आप तो क्या मानोगे कि भाई पूरा भर गया ना कंचों से, कि सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी, नहीं। अब अगर आप इसमें पानी डालोगे ना तो 10 लीटर पानी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा पानी इसमें भाई 4.6 लीटर पानी अभी भी आ जाएगा, कितना आपको ऐसे कैसे भाई, तो भाई ये तो कंचों से पूरा भरा है बॉक्स तो। अरे भाई वो जो बॉक्स है इसमें कंचे वजह भरे जाएंगे तो बीच में कुछ वॉइड नहीं बचते क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको फुल भरने पर, यानी हम क्या बोलेंगे कि सिंपल क्लोज पैकिंग जो है वो सिर्फ अवेलेबल स्पेस का 54% ही क्या करती है, ओकुपाई। कितना भाई, और मैं चार, हाँ 54% ही इसको भाई ओकुपाई करेगी वो, यानी कि 40% स्पेस फिर भी क्या रह जाएगा इसके अंदर, एम्प्टी रह जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये एक लेस एफिशिएंट पैकिंग है। मान लिया आपने और कोई पैकिंग जमाई यहाँ पर, अब आपने इसमें कंचे भरने का जो पैटर्न वो बदल दिया। अब ये मानो भाई, अब यहाँ पर पानी आया सिर्फ और सिर्फ 26 लीटर, क्या अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अगर मैं इसके अंदर SCP पैकिंग में कंचे भरता हूँ, ठीक है, 10 लीटर का बॉक्स है, तो पता कितना पानी आ जाएगा इसके अंदर भाई, बोलो भाई इसके अंदर कितना पानी भरा जाएगा, बताओ 4.6 लीटर। लेकिन अगर मैं इसमें भाई FCC पैकिंग में कंचे भरता हूँ तो भाई इसमें क्या आएगा, 2.6 लीटर पानी आएगा, जहाँ तक मुझे याद हो भाई। बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई SCP पैकिंग में कंचे 10 लीटर में से कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, 5.4 लीटर, बोलो भाई। और FCC पैकिंग में कंचे भरने पर वो अवेलेबल स्पेस का, बोलो भाई, तो 10 लीटर में से क्या करते हैं वो 7.4 लीटर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे कि FCC क्या है, मोर एफिशिएंट पैकिंग। वहाँ पर भाई पानी कम आया ना,
तो जिस पैकिंग में भरने पर पार्टिकल्स को, सॉरी अरे बोलो भाई, पार्टिकल्स भरने पर जिसमें भाई खाली स्पेस कम बचे उसमें क्या बोलेंगे भाई, मोर एफिशिएंट पैकिंग। तो किसी पैकिंग की एफिशिएंसी कैसे मालूम करते हैं, किसी पैकिंग की एफिशिएंसी कैसे मालूम करते हैं कि आपने पार्टिकल्स को जिस बॉक्स में जिस अवेलेबल वॉल्यूम में भरा है ना, वो तो क्या उसकी टोटल वॉल्यूम। तो भाई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है बताओ भाई, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बोलो भाई, ये तो क्या होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आइडेंटिकल स्फीयर्स डिवाइडेड बाई टोटल अवेलेबल वॉल्यूम वी टी। इनका रेशो बताओ क्या होगा। जैसे भाई आप ही बताओ, आपने यहाँ पर देखा भाई 10 लीटर पानी भरने पर, 10 लीटर बॉक्स है लेकिन एस सी पी में कंचे भरने पर 4.6 लीटर पानी फिर भी आ गया ना, यानी कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की कंचों ने, सिर्फ 5 पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे 5.4 लीटर की ऑक्यूपाई की है 10 लीटर का बॉक्स है, तुम क्या बोलेगे भाई, हम क्या बोलेंगे 0.54, यानी कि 54% क्या इसकी एफिशिएंसी। बात आपको पले पड़ गई भाई, नहीं बेटा आपको अंजलि, तो क्या बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम। आसान है कि मुश्किल है, ठीक है ना। तो भाई अब हम बताओ क्या करेंगे, अब आपने भाई अब आपने प्रूव करना है, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि बताओ इनकी पैकिंग, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, बोलो इसकी 54%, इसमें 2.6 लीटर पानी आया तो क्या मतलब, बोलो भाई इसमें 7.4 लीटर ऑक्यूपाई हो गया ना, मतलब 74% क्या यहाँ पर भाई एफिशिएंसी। तो आप इसे प्रूव करो कि वो ये एफिशिएंसी इतनी ही है, ठीक है। तो मैं भाई तो याद रखो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का बताओ क्या रहेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा पैकिंग फ्रैक्शन का, याद रखो एक पैकिंग फ्रैक्शन वहाँ भी होता है कहाँ पर, और एक और वो होता मास फ्रैक्शन भाई। अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन में तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो भैया आपने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाल के टोटल वॉल्यूम से भाग कर देना सिंपली, ये हमारा तरीका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है बात। तो बताओ सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है बात। तो बताओ वो सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसी होती है, ऐसी क्या होती है हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस, और ये इसकी साइड होती है, ठीक है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द लैटिस क्या होगी हमारे पास, नहीं पहले बताओ भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कौन करेंगे, स्फीयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करेंगे भाई, स्फीयर, इजंट इट। तो बताओ इसके अंदर भाई कितने स्फीयर होंगे पर यूनिट सेल, भाई सिंपल क्यूबिक में आप बताओ भाई यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर बताओ कितने होंगे, यहां पर भाई सिंपल क्यूबिक में सिर्फ पार्टिकल कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं ना, ठीक है भाई सिर्फ कॉर्नर पे क्या होंगे पार्टिकल्स, तो कॉर्नर कितने 8 × एक कॉर्नर वाला कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है 1/8, तो एक क्या आ गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तुम क्या बोलेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है बताओ भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने बने, एक बने, क्यों भाई सिर्फ कॉर्नर पे हैं, तो 1/8 × 8 एक पार्टिकल क्या होता है पर यूनिट सेल, परमिटिव सेल है ये। तो एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, तुम क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो यहां पर जो वॉल्यूम आनी है वो एक, तो वी सिर्फ क्या होगी यहां पर, वी क्या होगी वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वी यहां पर क्या होगी वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, और एक स्फीयर की तो वॉल्यूम क्या होती है, अगर मैंने स्फीयर का रेडियस मैंने क्या मान लिया स्मॉल आर, तो हम क्या बोलेंगे 4/3 πr³, बोलो भाई 4/3 πr³। ये बताओ मेरे पास क्या गया, ये मेरे पास क्या आ गई, आप खुद कह रहे हो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा एक ही, तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा स्फीयर होगा भाई, टोटल मिला के, तो कॉर्नर पे 8 है आपको 8 स्फीयर होगी भाई, 8 स्फीयर नहीं है, हर स्फीयर का 8वां हिस्सा सिर्फ कहां पर आएगा, मैंने आपको बताया था ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे निकलते हैं, ठीक है बात। तो 8 × 1/8 कितना आ गया एक स्फीयर, तो एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 πr, तो वी मेरे पास क्या आ गई ना भाई, तो वी मैं यहां पुट कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास क्या नहीं है वी टी टोटल वॉल्यूम, आपको भाई टोटल वॉल्यूम बहुत आसान हमारे पास निकालना, वी टी हम कैसे निकाल लेंगे आपको भाई, अरे बॉक्स की लेंथ क्या है ए, टोटल वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास यूनिट सेल की, यूनिट सेल ऑक्यूपाई कितनी होगी इतने वॉल्यूम में, यानी इस यूनिट सेल का स्फीयर जो है इतनी वॉल्यूम क्या कर लेंगे भाई ऑक्यूपाई कर लेंगे, और बताओ भाई टोटल वॉल्यूम कैसे आएगी ए क्यूब, अरे भाई क्यूबिक यूनिट सेल की वॉल्यूम कैसे आती है ए क्यूब से, लेकिन दिक्कत क्या भाई वी ओ तो क्या है आर की टर्म्स में और वी टी क्या है ए की टर्म में, या तो इसको कन्वर्ट करो आर की टर्म में, ऐसे कन्वर्ट करो
एकदम भाई, जब आपको पहले पड़ी, यानी यहाँ पर मुझे आर और ए का क्या चाहिए, कोरिलेशन मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्फीयर का रेडियस और यूनिट सेल की लेंथ आपस में कैसे कोरिलेशन में होती है। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको सारा आपको पढ़ा रखा है, बताओ। अरे भाई यहाँ पर चार पार्टिकल का कॉर्नर पे होते हैं ना यहाँ पर भाई, तो एक दो तीन और चार, तो बताओ क्या होता है, बोलो भाई। तो ये क्या हमारे पास एज ऑफ द यूनिट सेल, और ये किसके ऊपर, बताओ भाई, आर और, क्योंकि चारों पार्टिकल कॉर्नर पे जो यहाँ पर है आपस में टच करे होंगे, तो टू आर किसके ऊपर होता है, बताओ टू आर किसके बराबर है, आर और आर बेटे के बराबर नहीं क्या। तो बेटर क्या रहेगा भाई, आप इसको ए में कन्वर्ट करने के बजाय आप इसे किस में कन्वर्ट कर लिया करो, आर में। तो बताओ टू आर अगर ए आ गया तो ए क्या आ गया, ए क्या आ गया मेरे पास भाई, भाई टू आर मेरे पास क्या आ गया, अगर मेरे पास भाई टू, बताओ क्या आ गया मेरे पास भाई, क्या क्या आर मेरे पास क्या गया भाई, आर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, नहीं नहीं आर इज इक्वल टू ए बाई टू आ गया मेरे पास हुई। अरे सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया भाई यहाँ पर, क्योंकि यही क्या है एज ऑफ दी यूनिट सेल, और ये बताओ क्या आर, ये भी क्या है भाई आर, तो आर प्लस आर क्या हो, टू आर हो गया। तो टू आर किसके बताओ भाई, तो टू आर मैंने बताओ पढ़ा था टू आर डी के बराबर, टू आर भाई टू आर यहाँ पर भाई ए के बराबर भी होएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, तो टू आर हमारे पास ए आ गया, तो आर क्या ए मेरे पास क्या आ गया, अरे भाई ए टू आर है, तो भाई या तो आपके काम करो भाई, या तो ए की वैल्यू यहां पुट कर दो टू आर, या आर की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दो ए बाई टू। मैंने क्या बोला भाई, किस में पुट कर लो, आर के टर्म में, अरे आर में कन्वर्ट कर लो, वी ओ अगर आर में है तो वी टी को, या तो वी ओ को ए में कन्वर्ट कर लो, या वी टी को आर में। तो ए कितना हमारे पास टू आर, यहां पर क्या पुट करी हो, एक ही जगह है टू आर पुट करी हो, तो टू आर का क्यूब क्या है मेरे पास, एट आर क्यूब आ गया भाई। तो ये तो क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ गई, एक स्फीयर है, और ये क्या है इस बॉक्स की पूरी वॉल्यूम। तुम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा यहां पर, वी ऑक्यूपाइड बाई वी टोटल विल बी इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एट आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लो आराम से भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, बताओ सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आंसर, ये बोलो भाई, ये मेरे पास आएगा, हम सॉल्व कर दिया भाई, बताओ क्या आ गया मेरे पास, ये बताओ भाई 0.524, अरे 0.542 आएगा आई थिंक, जहाँ तो मुझे याद हो भाई, ये यहाँ पर भाई थोड़ा टाइप में स्टोर रखिए, 0. नहीं क्या 52 आएगा ना, हाँ 0.52 होगा भाई, सॉरी ये अरे मैं सोच बार बार चौन बोल रहा था, वो गलत है, अरे अरे भाई मुझे याद थोड़ी था ये, नहीं सुन मेरी मेमोरी बहुत वीक है, वो तो क्या 0.524 आ गया, बताओ क्या है मेरे पास 0.524 आ गया, मतलब 52.4% क्या होता है ये एफिशिएंट, नहीं समझे बात। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक वहाँ पर क्या था भाई, अरे मैं बार बार क्या बोल रहा था 5.4 लीटर ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पर क्या होगा 5.2 लीटर क्या होगा ऑक्यूपाई होएगा। बात तो आपको भाई कॉन्सेप्ट तो आपको पहले पड़ गया ना, तो हमको पता लग गया भाई कि सिंपल क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना एफिशिएंट होता है, इजंट इट। अब बताओ हम क्या पढ़ते भाई, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो बताओ यहां भी वही रूल है, हम वीओ निकालेंगे और क्या निकालेंगे वीटी, बहुत सिंपल भाई। बताओ पहले आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक आप कैसे बनाओगे भाई, ऐसे बनाएंगे ना इजंट इट, और ये साइड क्या मान लो आप, साइड आपने क्या मान ली भाई, ए मान ली इजंट इट, साइड आपने क्या मान ली भाई ए, ठीक है। तो पहले आप बताओ भाई, पहले तो फेस सेंटर्ड में पहले व्यू निकालो, व्यू का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई डिफरेंट स्फीयर्स। बताओ भाई पहले कितने पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होंगे यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे भाई, हमको पता है एक तो फेस सेंटर में, एक तो कहाँ होते हैं कॉर्नर पे, और एक होता है हर एक फेस पे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस सेंटर में कितने हैं बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस सेंटर में तो कितने हैं हमारे पास,
हम क्या बोलेंगे, 8 × 1/8 क्यों, कॉर्नर पे 8 है और 1 × 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस 6 × 1/2 प्लस 0 × 1/1। अरे बॉडी सेंटर में 0 है, क्या है मेरे पास, चार। तुम क्या बोलो, यहाँ पर क्या है, 4 पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या, 4 पार्टिकल्स क्या, पर यूनिट सेल। अब एक पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 4/3π r³। तुम क्या बोले, वीओ क्या होगी, वीओ क्या होगी, एक तो भाई 4 पार्टिकल है, तुम अगर एक पार्टिकल की वॉल्यूम को, एक स्फीयर की वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास क्या जाना चाहिए, चारों पार्टिकल्स की ओवरऑल वॉल्यूम। तुम क्या बोलूंगा, तो 4 × 4/3 πr³, यानी कि 16/3 πr³। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया भाई फेस सेंटर्ड, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हो भाई, इतनी वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, पार्टिकल्स। अब बताओ भाई, अच्छा वीटी यहाँ पर क्या, वीटी क्या, वीटी टोटल वॉल्यूम क्या होगी, अरे भाई बॉक्स की लेंथ है क्यूबिक यूनिट सेल, हम क्या बोलेंगे, ए क्यूब, लेकिन फिर से भी वही दिक्कत है, ये तो क्या है ए में और ये बताओ क्या है आर में, तो आपको इसमें इसको भाई किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको ए में या इसको आर में कन्वर्ट कर लो, बताओ क्या करें भाई, यहाँ पर बेटर क्या रहेगा, आप एक काम करो फेस सेंटर्ड के लिए बताओ क्या फॉर्मूला था जो कि आर और ए को कोरिलेट करता था, मैंने आपको पढ़ाया था भाई, अगर आप भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो पार्टिकल्स यहाँ पर भाई किसके अलोंग बताओ टच करते हैं, अरे भाई एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बताओ ना आपको भाई इस एज के अलोंग क्या होगा, पार्टिकल्स क्या भाई टच करेंगे ना, इजंट इट, तो बताओ ये क्या है ए और ये क्या है, तो ये क्या आएगी मेरे पास रूट, अरे भाई ये ए है और ये ए है, तो डायगोनल क्या आएगी, तो ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर का सम का रूट करो, क्या मेरे पास ये ए है, ये क्या रूट टू ए है ना भाई, क्या रूट टू ए, अगर आप भूल भी जाओ तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ये बताओ साइड क्या रूट टू ए आएगी पाइथागोरस थ्योरम से भाई, और इसके अलोंग पार्टिकल्स क्या करते हैं आपस में टकराते हैं भाई, तो यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, एक स्फीयर यहाँ है उसका अदर रेडियस यहाँ पर आएगा, एक स्फीयर यहाँ है उसका अदर रेडियस यहाँ पर, अदर रेडियस यहाँ पर और एक स्फीयर यहाँ पर है, तो बताओ यहाँ पर भाई जो टोटल डिस्टेंस है वो बताओ कितनी यहाँ पर, 4 r, टोटल डिस्टेंस यहाँ से आपकी कितनी भाई, अरे भाई यहाँ पर क्या हो हमारे पास, अगर मैं इस फेस को, अगर मैं इस फेस को भाई ऊपर से देखूँ टॉप डाउन देखूँ, तो ये क्या है ए, ये क्या है ए, और ये बताओ क्या है रूट टू ए है, इजंट इट, तो एक स्फीयर यहाँ है, एक स्फीयर यहाँ है और एक स्फीयर यहाँ है, तो यहाँ बताओ क्या क्या, आर 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 और आर, तो क्या है मेरे पास 4 r, तुम क्या बोलो 4 r, बताओ क्या है मेरे पास रूट टू ए है, तो ए बताओ मेरे पास क्या आ गया 4/√2, ए मेरे पास क्या आया भाई 4/ नहीं मतलब पड़ी क्या भाई मेरे पास, अरे सॉरी 4r/√2 आ गया भाई, ए क्या 4r/√2, तो यहाँ पर पुट कर दो भाई, बताओ क्या है मेरे पास, बताओ हम क्या बोलेंगे, अरे भाई 4r/√2 क्या कर दो, क्यूब कर दो, अब इससे इसको भाग कर दो यहाँ पर, हमसे सॉल्व कर लो इसको भाई, पता क्या आएगा आपके पास रेशियो, तो भाई तो वी ओ बाई वी टी इसको इससे भाग कर दो, पता क्या आएगा 0.74 नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या भाई, देखो मैंने मैंने बताओ भाई यहाँ से मैंने यहाँ से बताओ ये क्या आएगा 2√2 r, लेकिन मैंने अरे भाई मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है बताओ 2√2 r नहीं रखा क्या, और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अरे मैंने क्या लिखा हुआ है ए 2√2 r लिखा हुआ है, अब इसको रूट टू से भाग, रूट टू से मल्टीप्लाई करियो क्या बन जाएगा अपने आप, ये की चीज है भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी आ गया आपको समझ में, तो भाई बताओ हमारे पास क्या रेशो आया बताओ 0.74% भाई, यानी कि ये क्या है मोर, यानी कि भाई सिंपल क्यूबिक के मुकाबले ये ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है क्या, और बताओ बताओ क्या हमारे पास भाई पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, अब आपने बताओ क्या पढ़ना है बोलो भाई, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, उसके अंदर तो क्या हो हमारे पास भाई फॉर्मूला आपने यहाँ पर भाई सेम यूज करना है, पी एफ इज इक्वल टू बताओ वी ओ बाई अरे वी टी, लेकिन ये बताओ बॉडी सेंटर में भाई पार्टिकल्स तो कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे बॉडी सेंटर पे, तो बताओ वी ओ कैसे आएगा हमारे पास,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या है, हम क्या बोलेंगे भाई? आपको पता है यहाँ पर दो क्या होते हैं पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कैसे भाई? कॉर्नर पे और क्या बॉडी सेंटर पे, हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आएंगे? कॉर्नर पे कितने हैं? 8। एक कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 1/8। प्लस फेस पे कितने हैं? 6। दोनों हो रही, अरे सेंटर में कितना है? 1। और बॉडी सेंटर वाला कॉन्ट्रीब्यूट कितना करता है? तो क्या है मेरे पास? दो आंसर आ गया ना, तो दो पार्टिकल्स पर यूनिट सेल भाई। तो बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या आएगी? एक पार्टिकल की वॉल्यूम का 2 गुना, यानी भाई 2 × 1 sphere की वॉल्यूम, 4/3 πr³। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, बोलो भाई। 2 × 4/3 πr³ आ गया मेरे पास भैया। तो ये बताओ क्या गया भाई, बताओ क्या गया ये हमारा क्या गया भाई? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अब बताओ वी टी क्या आएगी भाई? बात बिल्कुल सेम बात भाई, तो टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास? तो कितना आसान है, साइड क्या होती है इसकी भी? ए होगी, तो हम क्या बोलेंगे? a³। लेकिन भाई अब ये तो वॉल्यूम तो क्या आपके पास r के यूनिट में, और भाई vt क्या है? या तो इसको कन्वर्ट करो m में, इसको भाई r में, तो बेटर कैसे आप किसमें कन्वर्ट कर लो? r में। तो आपको यहाँ पर ये पता करना है, तो बताओ बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स अटैच किसके लोग होते हैं? बताओ भाई इस डायगनल के लोग भाई, पता होगा ना भाई, इस डायगनल के पार्टिकल्स में अटैच होते हैं ना, टच करते हैं। तो बताओ, तो यहां से आते पता लेंथ क्या होगी हमारे पास? यहां से यहां तक हमारे पास भाई पता लेंथ क्या होगी? 4r। अरे फिर से वही बात होगी भाई, एक तो पार्टिकल कहां सेंटर में, इसके बॉडी सेंटर में, इस कॉर्नर वाले का रेडियस आधा यहां तक रखा होगा, फिर इसका भाई आधा यहां पर, आधा यहां पर, नहीं बता आपको पड़ी? तो हम क्या, तो भाई हम क्या बोलेंगे? तो यहां पर 4r। अब लेकिन भाई ये बताओ ये साइड क्या होगी, ये और ये भी क्या होगी, सॉरी ये साइड क्या होगी और ये भी क्या होगी? तो ये क्या होगी? √2a। अब ये √2a और ये a, तो ये क्या है? √3a। तुम क्या बोलो? 4r क्या होगा? √3a। तो a बताओ क्या है मेरे पास? मेरे पास ये क्या है भाई? 4r/√3, isn't it? यानी यहां पर मैं क्या पुट कर दूं बताओ भाई? 4r/√3। बाप इसे इसको भी भाग कर दो, सॉरी नहीं आएगा आपको भाई। तो 4r/√3, ये बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा? तो बोलो भाई, तो आएगा ना 4r/√3। अरे यहां से क्या आएगा मेरे पास? 4r/√3 की वैल्यू जाएगी ना, नहीं आपको समझ में? फिर भाई आप 4r/√3 पुट कर दो, इनको आपस में भाग करो, बताओ कितना है मेरे पास? 0.68%, यानी कि 68%। तो बताओ भाई आपने एक पैटर्न देखा, बताओ, बोलो भाई। तो बताओ सिंपल क्यूबिक में क्या एफिशिएंसी आई थी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या एफिशिएंसी आई थी? तकरीबन 52% की। फेस सेंटर में क्या ही है, और सेम क्या होती है एचसीपी में, क्या है हमारे पास? 74%। और भाई बॉडी सेंटर लैटिस में हमारे पास बताओ कितनी एफिशिएंसी आई है, कितनी भाई? 68%। समझ गए बात? नहीं आपको समझ? आसान भैया। चलो इसके पहले आपको एक क्वेश्चन बताओ, बताओ क्या क्वेश्चन है? द ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरियस लैटिसेस फॉलोज द ऑर्डर, क्यूबिक केस में बताओ भाई। ये कहता है एफसीसी ज्यादा होगी एससीपी से, ज्यादा होगी बीसीसी से, बोलो भाई। एफसीसी ज्यादा होगी किससे? अरे बोलो भाई, एफसीसी ज्यादा ज्यादा होगी तो किससे? एससीपी से भैया। तो गलत है, गलत है। सबसे ज्यादा तो कौन सी होगी हमारे पास, बोलो भाई? एफसीसी कहां पर? एफसीसी सबसे ज्यादा कहां पर है? इसमें है, इसमें है, इसमें है भैया। भैया अरे भैया ऑप्शन गलत आ गया सारे यहाँ पर, ये ठीक, कोई बात नहीं। एक काम करो भाई, अरे ए ऑप्शन कर लो इस, लेकिन इसको कैसे कर लो इसको बताओ। एफसीसी क्या होती है? एफसीसी क्या होती है बताओ भाई? एफसीसी होती है 74। बीसीसी क्या होती है बताओ भाई? यहां पर क्या कर दो, बीसीसी हो गया ना भैया, क्या होती है 68। और ये बताओ क्या होती है, इसको भाई काटो, क्या लिखो? कोई बात नहीं, बताओ भैया ये कितनी होती है? तकरीबन 52%, isn't it? नहीं आना आपको ये, तो ऑप्शन फिर यही कर ली इसको, ठीक है ना बात? अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।